येस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे जीन प्याजे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टेड होंगे। और प्याजे की जो थियोरी थी उसको हमने कल कंप्लीट किया था लगभग एक घंटे में। और प्याजे से रिलेटेड जो MCQs होंगे जो कि सिलेक्टेड होंगे, जिससे प्याजे से संबंधित ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स और इशूज जहाँ आप अटकते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हों, उनको डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के काम की तरफ। और आई होप ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने हैं, इजी टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे। और एक मिनट का टाइम दें बस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है आई होप, आज सही है एकदम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ही, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है। फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। जिनको लगता हो बहुत ज्यादा प्याजे उनको आता है, आज देखिएगा सिर्फ 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से कितने ठीक होते हैं। अगर 12 आउट ऑफ 12 आ पा रहे हैं तो आप सच में कुछ बेहतर ही कर रहे हैं, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी नहीं है। फिर तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे बट कॉन्सेप्चुअल होंगे, ठीक है, जिसमें आपको समझ लगानी होगी, रट्टा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास के स्तर चार, ठीक। जिन्होंने थ्योरी देखी है वो सही कर पाएंगे। एरिक्सन है, स्किनर है, प्याजे हैं, कोहलबर्ग हैं। फटाफट से आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड पर अभी 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 आएंगे, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। NVS की डेट आ चुकी है, मुझे पता है आप लोग परेशान हो रहे हैं। सी ऑप्शन मतलब प्याजे ने, बिल्कुल। ये बात क्या है, बिल्कुल क्लियर है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास को बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इसमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आपकी समझ पूरी एक विकसित हो रही है, आपका संज्ञान, संज्ञान में क्या क्या है, आपकी थिंकिंग, भाई आपका थॉट प्रोसेस, आपकी रीजनिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब कुछ आ जाती हैं। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ आ जाएगा किसके अंदर, कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर, जिसको इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी कहेंगे हम, मतलब दिमाग से जुड़ी हुई है ना ये चीजें, इसलिए। तो सी ऑप्शन यानी कि प्याजे यहाँ ठीक होगा, सिंपल आंसर। एक बार मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, भाई आज मुझे पता लगा कई लोग ऐसे अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं वीडियोस को बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो ऐसे अपने अपने लिए ताली बजा देना, मतलब ऐसे फैन हो गई मैं आप लोग की। हालांकि मैं फैन किसी की नहीं होती हूँ, बट ये अपने आप में आप लोग का तो मतलब सही है, आप लोग को कही जा सकती है ये शब्द, गजब, मतलब थैंक यू। लाइक, शेयर, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हर किसी को धन्यवाद, ऐसे खुशी होती है, खुशियां बांट के खुशी मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर टू होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज अंडर एस्टिमेटेड बाय प्याजे। भाई भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्याजे द्वारा कम आंका गया, किसको अंडर एस्टिमेट किया गया, लैंग्वेज से रिलेटेड चीज कौन सी थी। हेरिडिटी है, सोशल इंटरेक्शन है, ईगो सेंट्रिक स्पीच है, या एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। आउट ऑफ 12 कितने ठीक होंगे जरा कमेंट करके बताएं। आपकी बुक का क्या नाम है, सीटेट एंड एस्टेट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय हिमांशी सिंह। अगर आप सर्च करेंगे अमेजोन पे या ऑफलाइन में भी मिल जाएगा। आंसर कीजिए फटाफट से। बी ऑप्शन गलत हो गया जी आंसर, सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा। पूछा है लैंग्वेज से संबंधित कौन सी चीज है जिसको अंडर एस्टिमेट किया है, ये तो मैंने आपको चार फैक्टर बताए थे कल, ठीक है। इसका आंसर होगा लैंग्वेज यानी भाषा, एक सेकेंड, लैंग्वेज नहीं, ईगो सेंट्रिक स्पीच, क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन, लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सी बात जिसको अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने, वो है ईगो सेंट्रिक स्पीच यानी अहम केंद्रित वाक। अहम केंद्रित वाक क्या है, जिसको वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा, ठीक है। प्याजे ने कहा इसकी बहुत ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, ईगो सेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज, कोई अर्थ नहीं है, बच्चा घमंडी होता है, घमंडी तो नहीं कहेंगे बट सेल्फ सेंटर्ड होता है, इसलिए वो खुद ही से बात करता है, ठीक, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसको क्रिटिसाइज किया या कहीं तो डिमीन किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन प्राइवेट स्पीच इसी को कहा, जब बच्चा खुद से बोल बोल के बातें करता है उसको कहते हैं हम ईगो सेंट्रिक या प्राइवेट स्पीच, ठीक। लेकिन वाइगोस्की ने कहा प्राइवेट स्पीच कहते हुए कि ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा खुद को गाइड करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था वाइगोस्की पढ़ते हुए कि भाई बच्चा इसको मान लो एक ट्रैक बना रहा है ऐसे, ये डस्टर जोड़ जोड़ के, तो बात करेगा अच्छा इसको ऐसे लगाऊंगा, अच्छा ऐसे पलटूंगा, यहां से गाड़ी आएगी, तो वो अपने थॉट्स को डायरेक्शन दे रहा है, ठीक। लेकिन प्याजे ने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक, क्लियर है बात। एक और चीज है प्याजे के नाम से जो जुड़ी हुई है,
सोशल इंटरेक्शन पे आएंगे अभी, जिनको कंफ्यूजन है ना उनका कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। देखो यहां पे ना एक और चीज है, एक वर्ड आपने शायद सुना हो शायद ना सुना हो, कलेक्टिव मोनोलॉग, जिसकी हमने कल भी बात की थी, समूह एकालाप कह सकते हैं इसको, ऑक्सीमोरन सा है थोड़ा। कलेक्टिव मोनोलॉग मतलब, मोनोलॉग मतलब एकालाप, मतलब खुद ही सब बोल रहे हैं। चार बच्चे बैठे हुए हैं, चारों अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन आवाज तो है कलेक्शन में, है ना। ऐसे आपने सुना होगा बहुत, जो पुराने स्कूल्स में ऐसे क्या बोलते हैं उसको, टेबल्स होते थे पहाड़े छुट्टी में या लास्ट में, जो राष्ट्रगान है, सब बोल रहे हैं, मतलब सब गा रहे हैं एक साथ, एक दूसरे से नहीं बट कलेक्टिव है, ठीक है। तो अकेले अकेले वो एक्टिविटी या बोल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो कलेक्टिव मोनोलॉग, ठीक। हाँ, सोशल इंटरेक्शन के बारे में अभी बात कर लेते हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन है। देखो सुनो, या आगे क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। उन्होंने चार डिटर्मिनेंट्स बताए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जो चार चीजें डिटर्मिन करेंगी, सुनिश्चित करेंगी संज्ञान के विकास को। वो चार फैक्टर्स कौन से थे? सबसे पहले हमने कल ही डिस्कस किया था इनको, क्या थे ये चार फैक्टर्स भाई? आपका एक्सपीरियंस, सबसे पहले था मैच्योरेशन, मतलब परिपक्वता, क्योंकि हेरिडिटी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, रेडीनेस टू लर्न को, ठीक है। मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस या फिर एक्टिविटी आप कह सकते हैं, ठीक है, बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है या समझ बनाता है। थर्ड क्या था बताओ जरा? सोशल इंटरेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी बट सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने इन चार डिटरमिनेंट्स में रखा है, क्योंकि हमने कल बात की थी वाइकोस्की की, कहते हैं इंटरनलाइज करते हैं आप, लेकिन प्याजे के कहेंगे आप इंटरेक्ट करके किसी से अपनी समझ बना सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्या है? फोर्थ है इक्विलिब्रेशन, जिसमें वो अडेप्टेशन का प्रोसेस था, ऑर्गेनाइजेशन था, एसिमिलेशन एकोमोडेशन सब था। इक्विलिब्रेशन यानी कॉन्फ्लिक्ट से क्लैरिटी की तरफ जाना, है ना। तो ये चार चीजें हैं। अब इसमें लैंग्वेज नहीं है, इन चार में लैंग्वेज को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी नहीं है, हालांकि बात की है लैंग्वेज की। बुक अभी इंग्लिश में, हिंदी में आ जाएगी होपफुली इस मंथ के एंड तक। बिल्कुल, आई होप अभी ये चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, कई लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है। अब देखो एक बार, थर्ड क्वेश्चन है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आशी, वेरी गुड, बिल्कुल लाइक करें जिनको पसंद आ रहा हो। आंसर क्या होगा ये बताओ? नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीम्स में जोड़ना, जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा है, स्कीम्स हैं, उनमें आपने कुछ जोड़ा, न्यू ऐड किया, क्या कहलाएगा? सी ऑप्शन, यानी एसिमिलेशन। भाई हमने कल बात की थी, जब ऐड करने की बात आई ना, प्लस करना हो, कुछ नई इंफॉर्मेशन जोड़ी आपने तो एसिमिलेट किया, एसिमिलेशन हुआ, आत्मसात किया आपने, आत्मसात किया। अगर यहां पे कहता आपने परिवर्तन किया पुरानी में, या पुरानी में परिवर्तन की वजह से कुछ नया स्कीमा बना, मतलब मॉडिफाई किया, एडजस्ट किया, मैनिपुलेट किया, ये सब क्या होता? फिर एकोमोडेशन होता। लेकिन यहां पे ऐड हुई है नई चीज कोई भी, मान लो आपको पहली बार बताया गया, या आपके आपकी समझ थी मान लीजिए बहुत सारी चीजों की, लेकिन आपने कुछ नया देखा, ठीक है, आपने कुछ नया देखा, कोई डिश हो सकती है, और आपने उसको जोड़ा अपने स्कीमा में, तो आपने एसिमिलेट किया है उसको, एकोमोडेट नहीं किया, परिवर्तन नहीं लाया, नया स्कीमा बनाया, ठीक है। बनता दोनों में ही नया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां मैनिपुलेशन, एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन इन सब की वजह से बनेगा, यहां नई इंफॉर्मेशन ऐड होगी। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल चेंज करने की बात आए तो एकोमोडेशन, इसलिए सी आंसर होगा एसिमिलेशन। इक्विलिब्रेशन होता है बैलेंस में होना, भाई जो आपके दिमाग में था और जो आपने बाहर देखा वो दोनों बैलेंस की स्थिति में है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैटेगरी में बांट देना, जिससे आप अपने स्कीमा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख पाते हैं। आपको पता है कि भाई प्याजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वाइगोस्की की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, पावलोव की थ्योरी लर्निंग वाली थ्योरीज में आएगी और लर्निंग वाले स्कीमा में आपके, इसके अलावा जो थॉर्नडाइक हैं वो लर्निंग में आ जाएंगे। इस तरह से इतनी सारी जो चीजें आपने कैटेगरी बनाई हुई है, ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है ये सारी इन्फॉर्मेशन का, जो आपने एसिमिलेट एकोमोडेट किया था उन सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है।
आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन पर, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप आराम से एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्याजेस थियरी चिल्ड्रन लर्न, भाई प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? पहला ऑप्शन है मेमोराइजेशन इन्फॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन, मतलब ध्यान देकर जानकारी को याद रखते हैं। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, बाहर के जो सोसाइटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो उसको स्कैफोल्डिंग देते हैं, मतलब मचान सहायता देते हैं तब सीखते हैं। प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन के द्वारा, यानी कि अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा, या फिर चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स, मतलब अपना व्यवहार में परिवर्तन करके जब उनको पुरस्कार दिया जाए तब सीखेंगे। आंसर करें फिर बताएंगे, फिर मतलब डिस्कस करेंगे। अब तक सारे सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया कादंबरी, लिख लेना आज जितने भी ठीक हो। फोर्थ का सी, मतलब प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, बिल्कुल सिंपल बात, सही बात, ठीक है, साफ कहो सुखी रहो वाली बात है ये, है ना। प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन यानी कि सी ऑप्शन, अडेप्ट कर रहा है। अडेप्टेशन में हमने एक चीज समझी थी कल, अडेप्टेशन में हमने समझा था भाई एसिमिलेशन होगा, एकोमोडेशन होगा, पूरी कहानी चलेगी, इक्विलिब्रेशन और वो सब आएंगे बीच में, वो चार्ट कल आपने देखा होगा, ठीक। तो अडेप्टेशन की प्रोसेस, आप अडेप्ट करते हैं, नए स्कीमा क्रिएट करते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन लाते हैं, वो एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अडेप्टेशन की प्रोसेस कह रहे हैं। बताया था हमने कल, डिस्कस किया था, अडेप्टेशन में एसिमिलेशन एकोमोडेशन आते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, पढ़ो एक बार इसको। क्वेश्चन कहता है रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का परिणाम है कि भाई जो शिशु है उसमें कौन सी एक स्किल आ गई है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक पक्ष कौन सा आ गया है उसके अंदर। तो ये इंटेंशनल बिहेवियर सीख लिया है उसने, जिसको गोल डायरेक्टेड कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आई है या एक्सपेरिमेंटेशन। आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कल वाले वीडियो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, सीडीपी फुल कोर्स बाय हिमांशी सिंह, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, उसमें आपको सारे वीडियोस अब तक के मिल जाएंगे जो पहले लेसन हो चुके हैं, वहीं पे प्याजे की थ्योरी भी मिल जाएगी, या सर्च कर सकते हो प्याजे बाय हिमांशी सिंह। बिल्कुल ठीक है, बस कोई आंसर आया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक आध आंसर गलत है, बाकी सब ने ऑब्जेक्ट परमानेंस लिखा है, मतलब कि ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व, ठीक है, वस्तु स्थायित्व आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे, हिडन ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने ये पेन छिपा दिया और बच्चा इससे खेल रहा था, तो अब वो इसके लिए रोएगा, मांगेगा इसको कि भाई अभी भी एग्जिस्ट करता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व अचीव कर लिया बच्चे ने, इसका मतलब वो सेंसरी मोटर स्टेज में होगा या उससे ऊपर होगा, ठीक है। कब आ जाता है वस्तु स्थायित्व, सेंसरी मोटर स्टेज यानी गत्यात्मक अवस्था जिसको हम कहेंगे, जब बच्चा सेंसेस से सीखे, जन्म से, 2 वर्ष की अवस्था है ये, ठीक। यहां पर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट उसके दिमाग में परमानेंट होना शुरू हो गया, 9 महीने के बाद ही आएगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 9 से 11 के आसपास वस्तु स्थायित्व इसको कहते हैं, ठीक। सेंसेस टीचर्स होते हैं, बच्चा सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज करके सीखता है इस स्टेज के दौरान। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 2 में, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो कर लेंगे, पहले बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। आंसर हुआ बी, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो 6th क्वेश्चन आगे आएगा, ये आगे पीछे लगा दिए गए हैं गलती से। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, भाई आपकी संज्ञानात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक क्षमता जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में आएगी, पहचान के एक बार बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आंसर कीजिए एक बार, 7th का क्या होगा, हाँ
हाँ ये बिल्कुल दोनों के लिए है, पेपर वन पेपर टू कोई भी आपका एग्जाम हो, पीजीटी टीजीटी जहां पे केवीएस में भी जहां भी पैडागॉजी आती है सभी के लिए कॉमन है। सी, कई लोगों का सी आ रहा है कई लोगों का बी आ रहा है, देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो ऑप्शन है सेवंथ क्वेश्चन में, सुनो सुनो शांत गदाधारी भीम सुनो, देखो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग ये आती है फोर्थ स्टेज में, जो हमने कल डिस्कस किया था, वो मनमोहन सिंह वाला एग्जाम्पल भी लिया था, मतलब एक हाई लेवल साइंटिफिक थिंकिंग काइंड ऑफ, जहां पे आप परिकल्पना भी कर पाए और डिडक्टिव लॉजिक भी आ जाए, तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल यानी फोर्थ स्टेज में, और बात किसकी हो रही है सेकंड स्टेज की, तो ये तो हट जाता है, ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पर, एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी हमने समझा था अमूर्त चीजों के बारे में भी ज्ञान, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था 11 इयर्स एंड अबव, ठीक, तो वो भी फोर्थ स्टेज है, बी भी हट गया। अगर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लिखा होता तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाता, मूर्त संक्रियात्मक में, ठीक, जिसको आप टच कर सकें फील कर सकें। थर्ड है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेज यानी सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है ये भी, तो ये भी हट जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, एबिलिटी टू टेक अदर्स ओपिनियन, मतलब कि दूसरे का पर्सपेक्टिव बच्चा समझ पाए, ठीक है, ये ठीक होगा, क्यों, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा कब, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, मतलब अहम केंद्रित होता है, और लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जैसे जैसे सेकंड जो स्टेज है वो जाती है, इसमें दो स्टेजेस हैं, हमने लास्ट में स्क्रीनशॉट आपने देखा होगा जिसमें इंट्यूटिव और प्री कॉन्सेप्चुअल दो चीजें हैं, 2 से 4 वर्ष और फिर 4 से 7, तो 2 से 4 के बाद 5 के बाद ये कम होने लगती है ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है, 4 के बाद तो ईगो सेंट्रिज्म कम होने लगेगा इस स्टेज में, और दूसरे का पर्सपेक्टिव वो समझने लगेगा, तो इसलिए डी ऑप्शन है। अगर ईगो सेंट्रिज्म लिखा होता तब एक डिफरेंट चीज थी, बट जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है हमें आंसर उस तरह से देना है, ठीक, तो इसलिए डी होगा इसका आंसर, सी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक नंबर चला गया होगा, कई लोग ऐसे जिनको आज पूरे 12 में से 12 लाने थे। हाँ, स्कैफोल्डिंग की बात वाइगोस्की ने की है, इसको दिया था ब्रूनर ने। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आईज ईयर्स एंड हैंड्स, भाई कौन सी स्टेज है, निम्नलिखित में से कौन से चरण में बच्चा अपनी आंखों कान और हाथों से सोचता है, भाई अब दिमाग से सोच लेते हैं ना आप अपने, लेकिन ये कौन सी स्टेज है जब वो सारी एक्टिविटीज अपनी उसका संज्ञान सब कुछ कहां से पूरा कुछ चल रहा है वो उसके सेंसेस से, तो वैसे ही समझ आ रहा है हमें, किससे कौन सी स्टेज होगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नहीं, सेंसरी मोटर, कौन सी है ये, इंद्रिय गामक अवस्था है, जब उसके सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज जब वो करता है उनसे वो सोचेगा समझ अपनी उसी से बनाएगा, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, मतलब कि सी ऑप्शन, ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम क्लियर हुआ, इसी बात पे लाइक करके जाना। ये आधे लोगों ने लाइक नहीं किया, 600 लोगों ने लाइक किया, 1200 लोग देख रहे हैं, 1280 बिल्कुल सी होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी Which one out of the following will not influence one's cognitive development? प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? देख लेते हैं। लैंग्वेज है, सोशल एक्सपीरियंस है, मैच्यूरेशन है, एक्टिविटी है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैंने बताया आपको बोर्ड पे लिख के कि 4 चीजें कौन सी होती हैं, 4 डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं। गला गया। आंसर करो एक बार 8th क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। कोशिश करें वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, व्यूज पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट खुशी होती है देख करके आप लोग आए थे, ऐसे प्रेजेंस अपनी बता के गए हो। बहुत बढ़िया, इसमें कंफ्यूजन है, कई लोगों को बी भी आंसर आ रहे हैं और कई लोगों के ए। देखो सोशल एक्सपीरियंस के ना पीछे मत पड़ो, सोचो समझो, अगर बात आए ना वाइगोस्की के टर्म में या कम इंपॉर्टेंस किसको दिए तब तो है वो ठीक, लेकिन और फिर पूछा था लैंग्वेज का क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में या दूसरे में कि लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सी चीज है जिसको कम इंपॉर्टेंस दी है, तो ईगो सेंट्रिक स्पीच है, सोशल एक्सपीरियंसेस कोई लैंग्वेज थोड़ा ना है, तो अगर इन जनरल पूछे तब तो आप सोशल एक्सपीरियंस को कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते, नकार नहीं सकते, ठीक, और दूसरा लैंग्वेज के बारे में पूछेगा तो ईगो सेंट्रिक स्पीच है ना कि सोशल एक्सपीरियंस, ठीक, ये 2 चीजों को समझो। यहां पे जो आंसर होगा वो होगा आपका लैंग्वेज, क्योंकि हमने 4 चीजें समझी थी, 4 डिटर्मिनेंट्स हैं, 4 सुनिश्चित करेंगे जो प्याजे की थ्योरी के
चार फैक्टर्स जो कि क्या है, एक तो हमारा लैंग्वेज तो है नहीं, और जो नहीं है वही पूछा है हमसे, तो इसलिए लैंग्वेज सही हो गया आंसर। बाकी बी ऑप्शन भी है, यानी सोशल एक्सपीरियंस भी है। तीसरा जो है आपका मैच्योरेशन, ये भी है कि अगर आप बायोलॉजिकली मैच्योर होंगे, आप में परिपक्वता होगी एज के अनुसार, रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता, वो भी आपका अफेक्ट डालेगी। अगर बच्चे की एज नहीं है तो आप उसको नहीं सिखा सकते, ऐसा प्याजे मानेंगे, इसीलिए इन्होंने स्टेजेस दिए हैं। ठीक, एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी कि एक्सपीरियंस, इसको भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटी को स्पेशली इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि बच्चा जब इंटरेक्ट करेगा, एक्टिविटी करेगा, एक्सपीरियंस लेगा तो वो सीखेगा। ठीक, फोर्थ एक और चीज बची, ये तो सिर्फ तीन हुई ना, सोशल मैच्योरेशन, एक्टिविटी, इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन। ठीक, तो ये चार फैक्टर्स हैं, चार स्टेजेस अलग हैं, चार फैक्टर्स अलग हैं, तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए अपनी। हाँ, प्याजे ने यही कहा है भाई, थॉट से लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज से थॉट नहीं, थॉट प्रसीड्स लैंग्वेज, मतलब विचार भाषा को आगे बढ़ाएगा। गलत हुआ है ये, यही तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अभी, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, अभी तो आगे आगे जब प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे एग्जाम आएगा आपके पास 10 बजे वाले सीरीज में, तो खतरनाक आएंगे क्वेश्चन, अभी तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए है। 10th क्वेश्चन देखो एक बार, 10th क्वेश्चन है, प्याजे प्रपोजेस दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व। भाई प्याजे ने ये प्रस्तावित किया है, ये प्रपोज किया है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे हैं, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे हैं, वो क्या हैं, अनेबल टू कंजर्व, कंजर्व नहीं कर सकते, मतलब कि संरक्षण की एबिलिटी उनमें नहीं आती। ही एट्रीब्यूट्स दिस इनएबिलिटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये किस वजह से होता है, बच्चे कंजर्व क्यों नहीं कर पाते, 2 से 6 वर्ष की अवस्था वाले, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाले, क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट नहीं आई, विचार में परिवर्तनशीलता नहीं है, इनेबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, हाँ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की इनेबिलिटी है इसलिए, या फिर पर्सनल फेबल, मतलब ऐसे व्यक्तिगत कल्पनाओं में रहते हैं, ऐसे ड्रीमिंग में रहते हैं, है ना, अपनी कल्पनाओं में रहेंगे, कहानियां बनाते रहते हैं अपनी, फेंकते रहते हैं, या फिर लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, उनमें हाई लेवल अमूर्त चिंतन नहीं आया। अमूर्त चिंतन क्या, जो आइडियाज जो सामने ना हो उसके बारे में सोचना, ठीक, जिसको आप टच फील ना कर सको डायरेक्ट। डी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन होगा इसका सही, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट क्या है, कई लोग तो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि लाइक करना है कि डिसलाइक, अभी 2 डिसलाइक थे, 1 रह गया। सिंपैथी है उन लोगों के साथ मेरी जो डिसलाइक करते हैं, मैं चाहती हूं उनके जीवन में कुछ सुखी सुख आए, कुछ उनके जीवन में पर्पज आए, ताकि वो खुश रह पाए, कोई बड़ा काम मिले उन्हें इसके अलावा। इरिवर्सिबिलिटी आएगी, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट क्या है, कल हमने बात की थी, ए ऑप्शन होगा इसमें, क्यों होगा ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत तेजी से हमने क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। धन्यवाद जितने भी लोगों ने लाइक किया और जितने भी लोगों ने नहीं किया। देखो ये है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कहां से आ गई, वो तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है, उससे तो संबंध ही नहीं है। इरिवर्सिबिलिटी इसको समझ लेना एक बार अच्छे से, इरिवर्सिबिलिटी यानी अपरिवर्तनशीलता, थॉट के लेवल पे विचारों की अपरिवर्तनशीलता है एक तरह से। ठीक, इरिवर्सिबल है मतलब वो बैकवर्ड्स नहीं सोच पा रहा, जो कल एक एग्जांपल दिया था भाई बर्फ पानी बन जाएगी और पानी बर्फ बन जाएगा, इतना वो रिवर्सिबल थॉट नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब जो आइस है वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर आइस में, उसको आपने किसी कहीं ले जा करके छोड़ दिया मान लो, फिर वो वापस रास्ता भूल जाएगा, मतलब उसको वापस आने में दिक्कत होगी। ठीक, क्योंकि थॉट रिवर्स नहीं कर पाता, इंडक्टिव रीजनिंग तो है, सीधा तो समझ पाता है, लेकिन बैकवर्ड्स में उसे प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये किसकी वजह से है, एक चीज हमने पढ़ी थी जिसको कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण कहते हैं। संरक्षण में क्या एग्जाम्पल था, किसी ने मजाक भी उड़ाया था कल मेरी ड्रॉइंग का, भाई अच्छी नहीं है, अभी मुझे बोर्ड स्किल्स पे काम करने की और जरूरत है, ड्राइंग बहुत खतरनाक है। अरे बहुत बढ़िया पिनाकल, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल सही दिया छवि आपने आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जब बचपने में 2 से 6 वर्ष तक आप नहीं कर पाते हैं, ये 7 से 11 वर्ष में कर पाते हैं, कंजर्वेशन, लैक ऑफ
इरिवर्सिबिलिटी की वजह से, क्योंकि एक बड़ा बर्तन है इसमें भी 200 ml पानी आता है, और एक लंबा बर्तन है हाइट में इसमें भी 200 ml आता है। अब आपने इसमें जो पानी भरा था, ये एक्सपेरिमेंट था प्याजे का कुछ इस तरह का, इसमें पानी भरा हुआ था जितना आपने इधर डाल दिया, ऐसा तो नहीं है इसमें से कुछ अलग डाला हो कुछ अलग निकाला हो, जितना निकाला उतना उधर डाल दिया, तो क्वांटिटी तो चेंज हुई नहीं। लेकिन बच्चा किसे लेगा, इसको बड़ा बताएगा, इसको ज्यादा बताएगा, इसको कम बताएगा, क्योंकि वो एक ही एस्पेक्ट में सोच पाता है, सेंट्रेशन है, सिर्फ एक एस्पेक्ट देख पा रहा है जिसको हाइट कह रहे हैं। रिवर्सिबल थॉट काम नहीं कर रहा कि इससे इसमें डाल दिया, इससे इसमें डाल दिया, तब भी क्वांटिटी तो सेम है ना। तो उस इरिवर्सिबिलिटी के कारण हो रहा है ये कि कंजर्वेशन नहीं आया, ठीक, संरक्षण नहीं कर पा रहा। वो अक्षरधाम वाला एग्जाम्पल दिया था कि आप उसको 5 सिक्के दे दो, उसको 5 सिक्के ज्यादा, 5 कॉइन्स उसको बेहतर लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, क्योंकि क्वांटिटी में ज्यादा है, जबकि 10 का नोट उसे थोड़ा सा लगेगा ये तो एक सिंगल नोट है। या ऐसा चॉकलेट्स में भी होता है बहुत बार, जब आप टुकड़े करके ज्यादा दिखते हैं उनको, ज्यादा क्वांटिटी में दिखते हैं तो वो उसको ज्यादा समझते हैं, और एक बड़ी चॉकलेट हो सकती है सीधी जिसको वो सोचेंगे यार ये तो सिंगल है, क्योंकि उनका एक ही तरफ ध्यान है और रिवर्सिबल थिंकिंग की कमी है। बिल्कुल। और ये जो कंजर्वेशन है ये आपका कहां आएगा, तो ये आ जाएगा 7 से 11 में, ठीक। कैसे आ जाएगा, क्योंकि अब बच्चा समझने लगता है कि भाई अब जो शेप और साइज के चेंज होने से वॉल्यूम या क्वांटिटी चेंज नहीं होती, अगर आपने शेप चेंज कर दी, साइज चेंज कर दिया, तो वॉल्यूम तो वैसे ही रहेगा, तो वो एक से ज्यादा एस्पेक्ट को समझ पाता है, डिसेंट्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये है आज की कहानी, अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ। दोबारा देखना वीडियो अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो तो। क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, सीसीएस बताया था कल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्लासिफिकेशन आ जाता है, सीरिएशन आ जाता है, और एक और चीज आती है कॉन्क्रीट थॉट के बारे में, लॉजिक। थैंक यू गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट देन इन डैश। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान है लेकिन समझने में गलती हो जाती है कई बार। देखें एक बार, पर्क और डेरी मिल्क में वाला कल डिस्कस हुआ था एग्जांपल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कानपुर की क्लास। नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीटेट में या किसी भी एलिजिबिलिटी टेस्ट में, नौकरी वाले एग्जाम में होती है नेगेटिव मार्किंग। हाँ देखो, सोशल एक्सपीरियंस का मतलब है इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन एक अलग पार्ट है उस थ्योरी में, और एक्टिविटी अलग पार्ट है। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता सिर्फ सोसाइटी के साथ कितना आपने वो किया, आप फिजिकल वर्ल्ड, सोसाइटी और कल्चर को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो आपका, मैंने कल वो पेन वाला एग्जाम्पल दिया था, बच्चा अगर अपनी खोज में लगा हुआ है तो वो एक होता नहीं, आप एक फिजिकल मैप खरीदते हैं, एक पॉलिटिकल मैप खरीदते हैं, ठीक, तो वो पॉलिटिकल मैप अलग कहानी बताता है, फिजिकल अलग बताता है, तो उस तरह से जो पूरा पर्यावरण है या जो भी आसपास की बच्चे की एक्टिविटी से उनका ज्यादा ध्यान गया है, हालांकि ना कि सोशल इंटरेक्शन का, ठीक है। तो ऐसी चीजों को कंफ्यूज मत करो, परेशान हो जाओगे। आंसर करो। बहुत बढ़िया, आज तो गजब कर दिया आप लोगों ने लाइक करके। 11th का डी नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश, बच्चों का जो सोच है वो कैसी कैसे अलग होगी अडल्ट से। प्याजे के अनुसार बच्चों की सोच में अंतर होता है, किसमें, काइंड में, ठीक, प्रकार अलग होगा, अमाउंट सेम होगी, बच्चे भी बराबर सोचते हैं बड़ों के बराबर, ऐसा नहीं है कि वो सोचते कम है या दिमाग कम चलाते हैं, लेकिन उनका जो प्रकार है ना, जो थॉट प्रोसेस है उनका चीजों को लेके, वो अलग होगा लेकिन मात्रा सेम होगी, ठीक। तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा, अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम अडल्ट देन इन अमाउंट, अमाउंट में कोई कमी नहीं है, तो इसलिए सी, बच्चे भी उतना ही सोचेंगे, मात्रा अलग, प्रकार अलग है, काइंड अलग है। भाई आप सेम चीज को देख के हो सकता है परेशान हो रहे हो, वो अलग प्रकार से सोचता है, वो हो सकता है हंस रहा हो, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस का जो अलग काइंड है, जो पूरा एक दायरा है वो अलग है, लेकिन वो भी दिमाग लगाते हैं हर चीज को देख के, तो अमाउंट में कमी नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि बच्चे सोच सकते हैं, भाई लिटिल साइंटिस्ट हैं, वो भी अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन सेम प्रकार होगा, वो धीरे धीरे फिर समझ बढ़ेगी एज के अनुसार। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वाइगोस्की एंड प्याजे पर्टेन्स टू, भाई वाइगोस्की और प्याजे के दृष्टिकोण के बीच में एक बड़ा अंतर है।
पहला है देयर कॉन्सेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, के वो ये अलग अलग बात मानते हैं प्याजे और वाइगोस्की के बच्चे नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये कोई अंतर नहीं है, ये तो सारे कंस्ट्रक्टिविस्ट मानेंगे ही, ठीक है। वाइगोस्की मानेंगे सोसाइटी से इंटरेक्ट करके, प्याजे के अलग अपनी चीजें हैं कि भाई वो अपनी समझ खुद बनाएगा एक्टिविटी करके इसके उसके द्वारा, तो ए ऑप्शन तो हट जाएगा, ये डिफरेंस नहीं है, ये तो कॉमन बात है क्योंकि सृजनात्मकवादी हैं दोनों ही, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। फिर है देयर क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल, बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल यानी आप बच्चे में कुछ भी भर सकते हो, एक तरह से ट्रेन कर सकते हो उसको, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, इसको वो दोनों क्रिटिक करेंगे तो ये तो अंतर हुआ नहीं, ये तो समानता है। फिर है थर्ड द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ नर्चरिंग एनवायरमेंट टू चिल्ड्रन, बच्चों को बेहतर एनवायरमेंट मिले, एनवायरमेंट को सोसाइटी के साथ बिल्कुल मर्ज मत करो, थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक। अगर प्याजे की बात आए तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंस उस पूरे एनवायरमेंट में, सोसाइटी को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस, ठीक, लेकिन बाकी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वाइगोस्की की बात आए तो पूरे एनवायरमेंट में सोसाइटी और कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, तो ये भी हट जाएगा, ये तो कॉमन बात है, दोनों ने कहा है अच्छा एनवायरमेंट मिलना चाहिए, ये थोड़ा ना प्याजे ये कहेंगे कि आप उसको अपॉर्चुनिटीज ही मत दो सीखने की। नेक्स्ट है देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, मतलब जो उनके व्यूज हैं, जो उनके विचार हैं भाषा और विचार को लेकर के, वो अलग है, ये बिल्कुल सच्ची बात है और सही बात है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, आउट ऑफ 12 कितने ठीक हुए जरा बताना, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, थॉट एंड लैंग्वेज को लेकर, ठीक है, विचार और भाषा को लेकर डिफरेंस है मेन प्याजे और वाइगोस्की में, डेवलपमेंट और लर्निंग को लेकर एक विभेद है, ठीक। थॉट और कैसे, जो प्याजे हैं और यहां है वाइगोस्की, ठीक है, प्याजे क्या कहते हैं भाई, पहले थॉट आएगा, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, थॉट से भाषा आएगी, ठीक। और वाइगोस्की क्या कहते हैं भाई, पहले दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फिर 3 साल के आसपास मर्ज हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट बन जाते हैं थॉट और लैंग्वेज, और भाषा क्या है, टूल है, लैंग्वेज एज अ टूल, ये कहा है उन्होंने, ये नहीं कहा कि पहले भाषा आएगी फिर विचार आ जाएगा, उल्टा मत कर देना, उनकी अपनी एक बात है अलग कि भाई पहले इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं, विचार और भाषा अलग अलग काम करते हैं, फिर मर्ज हो जाते हैं 1.5 साल या 3 साल के आसपास, वो वाइगोस्की की थ्योरी देख लेना एक बार, तो ये इंटरडिपेंडेंट बन जाते हैं जैसे ही मर्ज होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं विचार और भाषा दोनों, ठीक। भाई भाषा नहीं होगी तो विचार नहीं आएगा, विचार नहीं आएगा तो भाषा नहीं होगी, दोनों को मिला करके बच्चा सोचेगा। लेकिन प्याजे कहते हैं थॉट तो पहले ही आ जाता है उसमें, वो अपनी समझ तो विकसित कर ही रहा होता है, भाषा बाद में आती है, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज है, प्याजे कहेंगे कि भाई डेवलपमेंट से लर्निंग होगी, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, पहले आपका विकास होता है, मतलब अगर आपकी एज है तो आपकी लर्निंग तो आप कर लेंगे, मगर आपको मैच्योर होना जरूरी है, डेवलपमेंट होना जरूरी है आपका स्टेजेस में, जैसा वो बोलते हैं, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन वाइगोस्की कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए लर्निंग सीख कर लो आप, डेवलपमेंट हो जाएगा, ये कहेंगे, तो लर्निंग से डेवलपमेंट वाइगोस्की। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखिए। 2 क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा अभी, हाँ सही याद दिलाया। बहुत बढ़िया, बहुत एक्टिव लोग हो यार आप लोग, तो बहुत बहुत एक्टिव लर्नर्स हो ऐसे। 6th क्वेश्चन है द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, कर चुके हैं क्या ये, हम कर चुके हैं यार, ये तो ये हो चुका है, आई थिंक आ गया था, वहीं आ गया था 6th पहले ही। इसका आंसर वैसे डी होगा, वही जो हमने समझा कि धीरे धीरे ईगोसेंट्रिक जो थॉट है वो खत्म होने लगता है। किसी का 2nd क्वेश्चन में डाउट था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 2nd क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय प्याजे, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्याजे द्वारा कम आंका गया, भाषा विकास के क्षेत्र में, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्याजे क्या बात करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्याजे बात करते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज, मतलब जो अहम केंद्रित वाक है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको महत्व उन्होंने नहीं दिया, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, सोचता है जैसा मैं फील करता हूं वैसा सारी दुनिया फील करती है, इसलिए दूसरे का जो बेसिकली पर्सपेक्टिव है वो नहीं समझ पा रहा, किसकी वजह से, ईगोसेंट्रिक स्पीच की वजह से, तो उन्होंने इसे काम का नहीं बताया, मत जागो सिरी। हाँ, तो ईगोसेंट्रिक स्पीच भाषा के टर्म में पूछा है,
ओवरऑल नहीं पूछा कि सोशल एक्सपीरियंस को बताया कि नहीं बताया, लैंग्वेज लिखा हुआ है साफ साफ भाषा के कॉन्टेक्स्ट में, भाषा के संदर्भ में, ठीक है। चार जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें तो आता है सोशल एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है बिल्कुल नकार दिया सिरे से। तो ये कन्फ्यूजन है, इसको दूर कर लीजिए प्लीज। पहले भी जब भी थियरी किया है इसको क्यों परेशान हो जाते हो? आई होप अभी कोई नहीं बचा होगा डाउट, ठीक है। बहुत बढ़िया, 74% आए हैं सेकंड सेमेस्टर में आकांक्षा, मुझे बड़ी खुशी होती है। आप सभी अलग अलग तरह के लोग हैं, कई लोग बीएड कर रहे हैं, कई लोग डाइट कर रहे हैं, उनको वहां हेल्प मिलती है। कई बार की थियरी हमें वहां नहीं समझ आई थी सेशन में, यहाँ आ जाती है, मजा आ जाता है मतलब सुन के ना आप लोगों को, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग एकदम। अलग अलग जब किससे सुनते हो ना आप लोगों के, मजा आ जाता है सच में। चलिए, आउट ऑफ 12 कितने ठीक हुए जरा कॉमेंट करके बताइएगा। और आई एम फैन ऑफ योर टीचिंग स्टाइल, हाँ बिल्कुल, ऐसे काम के फैन हो सकते हैं आप मेरे, मत बनिए ना जैसे भक्ति नहीं तो। धन्यवाद शिवम। हाँ 10 बजे सेशन है, 10 बजे सेशन है, जो सभी के लिए कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने लिखा था यूपी टेट के लिए हाई लेवल के क्वेश्चन तो नहीं करा रहे आप 10 बजे, वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप उनको करेंगे डेली बेसिस पे, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ जाकर के, किसी भी मतलब बेहतर एकदम से अच्छे से डील कर पाओगे, एकदम उड़ा के रख पाओगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लो। एसएसटी के सेशन होपफुली अक्टूबर में स्टार्ट होंगे। हाँ कमलेश जी, मैं वहां देखने को मिलूंगी आपको सैटरडे संडे। सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कल मैंने आप लोगों की पूरी चैट पढ़ी ऐसे 1 घंटा बैठ के, मेरा बड़ा मन था क्योंकि मैं सारे कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ जब से हम लोग ज्यादा ग्रो हुए हैं। आप लोग हजारों की संख्या में होते हैं कई बार लाइव, तो बाद में मैंने देखे हैं सारे कमेंट्स, बहुत बहुत अमेजिंग आप लोग पूरा माहौल बना के रखते हो चैट में, तो बहुत हेल्प मिली, धन्यवाद जी। अरे आपके सपोर्ट के लिए भी उतना ही धन्यवाद, आप लोगों से एनर्जी मिलती है एक, धन्यवाद धन्यवाद सस्मिता। 100 क्वेश्चन क्या 200 भी कर लेंगे, 500 भी कर लेंगे, क्वेश्चंस की टेंशन थोड़ा ना है, आने दो एग्जाम। अच्छा एनवीएस के लिए एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी, अभी एक वीडियो अलग से बना देती हूँ, डेट अनाउंस हो गई है उसके बारे में बात कर लेंगे, और कुछ इंग्लिश में, और आपको सीडीपी में एप्टीट्यूड में कुछ हेल्प मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा 10 बजे, क्वेश्चंस का सेशन होगा, जरूर अटेंड कीजिए, अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, थैंक यू।